अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि, यहाँ सूर्य वाकई राजा होता है। सेना में, सरकारी नौकरी में, अधिपत्य में, लीडरशिप में, और जो अपने आप को भीड़ में अलग दिखाते हैं वो सिंह राशि वाले होते हैं। सिंह राशि वाले जातक वो होते हैं जो सिंह की तरह ही रहते हैं, मैं अकेला हूँ लेकिन सब पर भारी हूँ, एक अकेला सब पर भारी, वो सिंह राशि वाले होते हैं। उनका एक सिद्धांत होता है, वो कहता है या तो मेरी बात मानो या मेरे से बात मत कर। बात को मनवाने के तरीके भी जानते हैं, उनको पता है किसके थ्रू बात मन सकते हैं, मैनिपुलेटर होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, पुलिस के महकमे में, किसी अच्छे पद पर जो लोग होते हैं उनका सूर्य बहुत बलशाली होता है। उनके संबंध अपने पिता से बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता का कारक होने के कारण उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, उनको ब्लेसेज मिलती है। को पिता से ब्लेसेज मिल गई वो किसी भी जगह जीत जाते हैं। इन लोगों के साथ एक ही दिक्कत है, इनका ईगोस्टिक होना, बिल्कुल संबंध खत्म कर देते हैं जी। बात ही करना बंद कर देते हैं, रिलेशन इतने टफ हो जाते हैं कि वो रिश्तेदारी में भी, अपने परिवार में भी, अपने ननिहाल में भी, अपने ससुराल में भी, समाज में भी, अपने संबंधों में अलग थलग पड़ जाते हैं। कई बार तो सालों साल बात नहीं होती इन लोगों की, क्यों? क्योंकि ईगो इतना बड़ा होता है, मैं क्यों बोलूं, जब उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, और ये चीज उनको अलग थलग कर देती है। हाँ, सामाजिक रूप से इतने विस्तृत होते हैं, अरे इससे अच्छा तो आदमी कोई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत अच्छे नहीं हो पाते क्योंकि उनका ईगो, उनका ज्यादा बोलने, उनका अपने आप को अलग दिखाने का नेचर उनको अलग थलग कर देता है। तो ये परिवार में अलग थलग होते हैं, समाज में सर्वप्रिय होते हैं, इतना इनमें हो जाता है। तो इन लोगों को एक समरसता भाव, समरस भाव होता है ना, उसको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो ये जितने अच्छे सामाजिक होते हैं उतने अच्छे पारिवारिक नहीं होते। बहुत सारे नेता, बहुत सारे सोशल वर्कर, बहुत सारे मीडिया में काम करने वाले जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सब कुछ होते हैं, इनकी पब्लिक लाइफ देखो गजब की होती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, 12 व्रत कम से कम रखे अपने सूर्य के, मतलब एक साल में 3 महीने का ही टोटल पीरियड आएगा, 4 × 4 = 12, तो 3 महीने के अंदर 12 व्रत रखे सूर्य के। उस दिन मीठे का परहेज, उसके नमक का परहेज करें, नमक ना खाए और सूर्य का व्रत करें। उसको व्रत करने से परंपरागत दोष भी खत्म होते हैं। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर जैसे कि उनमें सभी खूबियां होती हैं क्योंकि सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो खुद भगवान सूर्य हैं, तो वो ज़रूर इसमें जब गोचर करते हैं तो जो उसका जातक जो होता है वो पावर में आ जाता है। लेकिन ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा उसमें ईगो ना आ जाए, बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक ना हो जाएं कि आप अपने आगे किसी के ना सुन सकें। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको महसूस होती है कि आपका स्वभाव दिन पर दिन बदल रहा है, आप थोड़े ईगोइस्टिक हो रहे हैं, तो ऐसे में आप कुछ ना करें, सिर्फ भगवान सूर्यदेव की आराधना करें, रोज़ सुबह उनको जल दें।